Assalamualaikum, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। DW ब्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, 17 मई है, सेंट्रम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। बड़े मज़े का दिन है, इनका कह लें कि नेशनल डे है आज। बारे में पहले भी मैंने अपने दो ब्लॉग बनाए हुए हैं, जो आपको इस साइड पर नज़र आएगा और एक इस साइड पर नज़र आएगा। खैर पूरी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बड़ी रौनक है आज सेंट्रम में। हर एक बंदा अपनी अपनी टीम लेके निकला हुआ है, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग खाना शाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और शोर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ भी जो है ना सही ना आ रही हो। आज के दिन हर एक बंदे ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग वगैरह की होती है, लड़के हो गए, लड़कियाँ हो गई, और खाने के स्टॉल वगैरह सारे लगे हैं, उस जगह पर भी लगे हैं, और ये इस जगह पर भी आपको दिखाऊँ, और ये इस साइड पर भी ये सारी लाइन लगी हुई है, और इसलिए जनाब बॉय ने भी ड्रेसिंग की हुई है ताकि ऐसी पीछे ना रहिए। वाओ ब्यूटीफुल। ये भी खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं इस साइड पे भी। और वो सारे भी 17 मई को एक खास इनका प्रोग्राम होता है सेंटर में, जिसमें हर तरह के ग्रुप जो है ना, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज, जो फायर ब्रिगेड का इनका, मतलब हर अदारा जो है ना पब्लिक सेक्टर का, फिर स्कूल्स होते हैं, फिर कुछ म्यूज़िक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सारे अपनी अपनी टोलियां लेके निकलते हैं और इंजॉय करते हैं सिर्फ। और मैं खुद तकरीबन 2-3 घंटे इधर खड़ा रहा हूँ, छोटे छोटे क्लिप मैं आपको दिखाऊँगा साथ। और अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है, आज 28 टेम्परेचर है, और अभी मैं घर जा रहा हूँ, उसके बाद चेंज करना है, फिर आपको लेके चलेंगे बारबेक्यू करने, एक बड़ी स्पेशल जगह है बारबेक्यू के लिए, और आप शाह रहे हैं बारबेक्यू के लिए बड़ी स्पेशल दो जगह हैं, वो मैं आपको चेंज करके दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप थोड़ी सी परेड इंजॉय करो और मौसम। One hour later. हाँ जी जनाब, अभी चेंज कर लिए, इजी हो गए हैं, अभी जाने लगे हैं पिकनिक वाली जगह पे। बड़ी मज़ेदार जगह है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि किस तरह की आपको जगह लगी है। दो जगह पे आपको लेके जाऊंगा, वो एक फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना हमारी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके रास्ते में जो है एक बहुत बड़ी आबशार आती है, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो आ जाओ जी, चलते हैं फिर। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pulls dust from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop, every shot from the top, we're gonna. हाँ जी जनाब, तो पहले पॉइंट पे मैं आ गया हूँ, आपको अगर बैक साइड पे नजर आ रहा है, ये पहली आबशार है। इधर हमने नहीं जाना, इससे भी प्यारी एक और है, उस जगह पे हमने जाना है, और ये तकरीबन बर्गन से कह लो उदा की तरफ आएँ तो तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है, और इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती, और आपको अपनी गाड़ी पे आना पड़ेगा अगर आपने ये देखनी है तो आपको अभी थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ड्रोन उड़ाने की, क्योंकि हवा भी काफ़ी तेज़ है, देखते हैं कोई अच्छे सीन कैप्चर होते हैं कि नहीं,
तो अभी आ जाओ, फिर नीचे चलते हैं। ये अभी मैं तकरीबन बिल्कुल पास आ गया हूँ और इसके पास जाने का दिल नहीं है क्योंकि हवा भी ये काफ़ी तेज़ है और दूसरा हमने एक और जगह पे जाना है और वो भी इधर से तकरीबन आधे पौने घंटे का रास्ता है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी से इधर से निकलना है। आप ये ड्रोन की वीडियो देखें, मज़ा आए, तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है, तो कमेंट में लाजमी बताना कि कैसी जगह लगी है। अभी दूसरी आबशार की तरफ जाने लगे हैं और अभी भी पहाड़ों पे इधर बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन आज मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन फिर भी ये बर्फ है। इधर दूसरी आबशार इससे भी ज़्यादा प्यारी है, आपने कमेंट में लाजमी लिखना है कि कैसा माहौल लगे आपको, ताकि नई नई जगह आपके लिए एक्सप्लोर करें। सब्सक्राइब करोगे तो गल बननी हो जी बननी गल। और ये जो छोटे छोटे आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये इनको हिता कहते हैं। हिता जब इनकी छुट्टियां होती हैं, कोई भी रेड डेज होते हैं इधर दो चार दिन की छुट्टियां, तो ये इधर आके रिलैक्स करते हैं इन जगहों पे आके। और नॉर्वे में तकरीबन कह लो कि हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास ये हिता होता है, ये एक तरह का इनका कल्चर है। हाँ जी जनाब, दूसरी आबशार पे अभी पहुंच गए हैं और ये मेरी बैक साइड पे जो आबशार है ये बहुत प्यारी है। और मैंने प्लान बनाया था कि इस जगह पे बैठ के बारबेक्यू करेंगे, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, आग नहीं जलनी, तो इसलिए दोबारा अभी थोड़ा सा ड्रोन उड़ाता हूँ, इधर थोड़े से सीन कैप्चर करते हैं और उसके बाद जो है ना उसी जगह पर पुरानी जिधर आबशार है, क्योंकि उधर सिटिंग एरिया काफ़ी था और वो कवर थोड़ा एरिया था, उधर जा के बारबेक्यू करते हैं अगर शाम ना हुई तो। आप इंजॉय करें ये सीन्स। Thank you.
दोबारा उसी जगह पे जाने लगे हैं क्योंकि इधर ड्रिजलिंग हो रही थी और थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, उसकी वजह से दोबारा अभी उसी जगह पे जाने लगे हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई है, ताकि ज़रा बारबेक्यू वाला सिस्टम करें। मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अभी तकरीबन 21 टेम्परेचर चल रहा है, धूप भी काफ़ी लगी हुई है। तकरीबन सुबह से निकले हुए हैं, सुबह जो परेड थी वो आपको दिखाई है, उसके बाद को डेढ़ दो घंटे का ये रास्ता है वो भी किया और नाश्ते किया हुआ सुबह का। One hour later. हाँ जी जनाब, दोबारा उसी जगह पे आ गए हैं और ये वन टाइम यूज़ के लिए ग्रिल मिलती है इधर से, वो लेके आए हैं, अभी इसको जलाते हैं, उसके बाद फिर बारबेक्यू करते हैं, भूख भूख बड़ी लगी हुई है। नीचे रखे ना उसको, बड़ा बेहतरीन किस्म का मैरिनेट मैंने कल ही करके रख दिया हुआ था, बड़ी बेहतरीन किस्म की बोटी है। चलें ये थोड़ा काम शाम ख़त्म कर लें, फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं क्या। हाँ जी जनाब, बारबेक्यू वाला सिस्टम रेडी है, ग्रिल हो रहा है और इस साइड पे सीखों पे मैंने लगा लिया हुआ है और थोड़ा सा फ्रूट, व्हाट, शिमला मिर्च और सारा निज़ाम रेडी हो गया, चटनी बनाई है और तुरतीला उसके अंदर है, सारा सामान रेडी है, अभी बस भूख लगी है, पकाना है और इंजॉय करना है। हाँ जी जनाब, तो बेहतरीन किस्म के ये तो बन गए हैं, जैसा कि आपको आला किस्म के नज़र आ रहे हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी एंड वाला डालने लगे हैं इसके ऊपर, तीन सीखें ये हैं और थोड़ा सा ये निज़ाम है शिमला मिर्च। हाँ जी जनाब, बड़ी फिट किस्म के बारबेक्यू हो गया है, हवा बहुत तेज चल रही है, टेस्टिंग टाइम है, टेस्ट करके आपको भी बताते हैं कि किस तरह की। थोड़ा सा इन पे डालते हैं जी लेमन, स्क्वीज करते हैं, और उसके बाद डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, चलो जी अब करते हैं इसको थोड़ा सा टेस्ट। मज़ेदार ये बहुत मज़े का। One hour later. जनाब बड़ा मज़ा आया बारबेक्यू का और पूरा इंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया और मेरे ख्याल से अभी इधर ही ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, घर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना लाजमी और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, ताकि इस तरह की नई नई जगह आपके लिए लेके आता रहूं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।